नमस्कार, आज मिर्ची वड़ा बनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, मिर्ची वड़ा बनाते हैं। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मिर्ची मैंने ली है, यहाँ पे दो तीन हरी मिर्ची ली हैं, दो तीन लाल मिर्ची ली हैं। आपकी मर्जी है, हरी मिर्ची लेना चाहें तो सिर्फ हरी मिर्ची भी ये बन सकता है, या लाल भी आप सारी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर है। मैं दोनों मिक्स ले रही हूँ, हरी और लाल। और इसके लिए मिर्ची थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए साइज में, क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग हमें भरनी होती है, तो इसके लिए थोड़ी सी मोटी मिर्ची अच्छी रहेंगी। सबसे पहले मिर्च को पानी से धो लें, उसके बाद कपड़े से इसको अच्छे से साफ कर लें। इसके अलावा उबला और मैश किया हुआ आलू मेरे पास है, लगभग चार आलू मैंने लिए थे, उबाल लिए और उसके बाद में छील के और मैश कर लिए इनको। हरा धनिया लगभग 5-6 चम्मच है, चॉप करेंगे इसको। और एक कटोरी बेसन, कॉर्नफ्लोर है 2 चम्मच, और कॉर्नफ्लोर क्रिस्पी बनाने के लिए इसको लिया जाता है, क्रिस्प बनाने के लिए। ये टूटी फ्रूटी मेरे पास है, लगभग 2 बड़े चम्मच। इसके जगह पे आप किशमिश ले सकते हैं, या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। टूटी फ्रूटी मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा ये मीठा टच इसमें देगा, क्योंकि मिर्ची हमारी तीखी होती हैं इसलिए। सॉल्ट पाउडर है 1/2 चम्मच, 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर है चुटकी भर, भुना हुआ जीरा 1/2 चम्मच, और नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे। इसके अलावा तेल चाहिएगा हमें, डीप फ्राई करना है तो वो कढ़ाई के अंदर लेंगे हम। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो ये उबला हुआ आलू है, इसके अंदर पहले हरा धनिया काट लेंगे बारीक बारीक। हरे धनिया को भी पहले साफ करके और छलनी में किसी में भी डाल के इसको धो लें पहले। और हरा धनिया काटने के बाद में नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, या लगभग 1/2 चम्मच यहाँ पे लगेगा। भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें से आधी आधी। हम घोल तैयार करेंगे उसमें यूज़ करेंगे। और ये गरम मसाला पाउडर, सौंठ पाउडर, अगर सौंठ पाउडर नहीं है तो बारीक बारीक काट के अदरक आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और टूटी फ्रूटी, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच तेल लेके इसको भून सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे ही इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि मिर्ची भी हम डीप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर आपको पसंद हो तो आप इसको भून सकते हैं, थोड़ा सा तल सकते हैं तेल के अंदर। 2 चम्मच तेल डालें कढ़ाई के अंदर और ये फिलिंग उसके अंदर डालें, 2 मिनट तक भून लें कम आँच के ऊपर, और उसके बाद ठंडा करके फिर यूज़ करें। मैं यहाँ पे ऐसे ही यूज़ करूँगी, बिना तले बिना भुने। चलिए स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, इसको साइड पे रखेंगे। और हम मिर्ची को चीर लेंगे, इसको स्लिट करना है इस तरीके से, चाकू से या सुई से भी कर सकते हैं आप, आर पार नहीं करना है। स्टफिंग भरनी है तो बस इतना इसको चीरा लगा लेंगे। सारी मिर्ची इसी तरह से तैयार करेंगे। चलिए अब घोल तैयार करेंगे। सबसे पहले डालेंगे बेसन एक बॉल के अंदर, बची हुई हल्दी, नमक थोड़ा सा डलेगा, चुटकी भर नमक डाला है मैंने, और ये कॉर्नफ्लावर। अच्छे से इसको मिक्स करें। और इसका घोल तैयार करेंगे, जैसे पकोड़े का घोल बनाते हैं वैसा ही घोल बनाना है, ना ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में पानी डालेंगे, पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालें। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालें इसमें और फेंटते रहें, लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें।
एकदम स्मूथ इसकी पेस्ट हमें बनानी है। थोड़ा पानी और सादा पानी लें। और अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा हो गया तो उसमें थोड़ा सा बेसन आप और ऐड कर सकते हैं। इसमें अभी थोड़ा पानी और डालूंगी मैं। ये देखिए इस तरीके का घोल हमें चाहिए। चम्मच से दिखाती हूँ मैं। देखिए इस तरीके का गाढ़ा घोल हमें बनाना है। और अब इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक, इसको रेस्ट देंगे। चलिए अब फ्राई करेंगे इनको। तो गैस ऑन करके तेल रख दिया है मैंने, और तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। जैसे पकौड़े के लिए हम पहले से तैयार करते हैं, तेल एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए, यानी कि उबलना चाहिए तेल। चलिए तेल हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम इसमें फिलिंग भर लेंगे इस तरीके से जगह बना के। और अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो इसके बीज निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बीज नहीं निकाल रही हूँ, वरना आप चम्मच से इसके बीज निकाल लें, चाकू से या चम्मच से। और इस तरीके से दबा दबा के इसमें ये आलू की स्टफिंग हम कर देंगे अच्छे से, जितनी भर पाए इसके अंदर। इस तरीके से और रखते जाएंगे प्लेट के अंदर। सारी इसी तरह से तैयार कर लेंगे हम। चलिए मिर्ची हमने भर ली है, और अब तेल भी हमारा गर्म हो गया। इस तरीके से इसकी डंडी तोड़े नहीं, डंडी समेत ही इसको अच्छे से डिप करें और तेल में छोड़ते जाएं। और इसी तरह से सारी तैयार कर लेंगे, अच्छे से इसको डिप करें इस तरीके से, हल्का सा इसको झाड़ लें और सीधा तेल के अंदर। देखिए अच्छे से डिप करते जाएं इसको और छोड़ते जाएं, साइड से छोड़ें हमेशा। और इनको फ्राई करना है फुल आंच के ऊपर, जैसे पकोड़े बनाते हैं ऐसे ही इनको तलना है। और इधर जो ये बेसन और स्टफिंग हमारी थोड़ी सी बच गई है, इसको भी यूज़ करना है, फेंकेंगे नहीं इसको, कई बार बच सकती है ये। तो ये जो बेसन बचा है इसको आप डो में डालें, रोटी जब भी बनाएं तो आटे के अंदर डाल सकते हैं, या फिर कोई भी पकौड़े इसके अंदर बना सकते हैं आप, तो तब यूज़ हो सकता है ये। इसको आप अच्छे से आटे में डाल के और डो बना लें। और जो ये मिश्रण हमारा बचा है स्टफिंग वाला, इसको आप चाहें तो पराठे के अंदर भर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही छोंक लगा सकते हैं 2 चम्मच तेल के साथ में। नमक मिर्च हल्दी आप अपने टेस्ट के हिसाब से करें, तो ये आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो इसको फेंके नहीं, यूज़ करें इस तरीके से। इसको हल्का सा घुमाते रहें ताकि चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं, फ्राई हो जाएं। चलिए तैयार हो गए हैं हमारी मिर्ची वड़े, निकाल लेंगे इनको। ये देखिए बढ़िया सा कलर आ जाना चाहिए इनके ऊपर। गैस को बंद करेंगे और एक एक करके इनको निकाल लेंगे। ये लीजिए मिर्ची वड़े हमारे तैयार हो गए हैं। इंजॉय करें किसी भी सॉस के साथ। वैसे तो इसके साथ किसी भी सॉस की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ये इतने स्पाइसी हैं, इतने टेस्टी होते हैं, एक बार बना के इनको ज़रूर देखें। लीजिए तैयार हो गया हमारा स्पाइसी मिर्ची वड़ा।